सबील अल हरम टूर्स एंड ट्रैवल्स ब्रांच गुलबर्गा के प्रोपराइटर जनाब मौलाना मोहम्मद अब्दुल मुख्तदिर इलियास कासमी साहब ने एमएसके मिल रिंग रोड सईदापुरी होटल के करीब ट्रैवल्स की न्यू ऑफिस ओपन की है, जिसका इनॉग्रेशन गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कनीस फातिमा के हाथों अमल में आया है। और इस इनॉग्रेशन के मौके पर एमएलए कनीस फातिमा के अलावा मौलाना शरीफ मजहरी, साउथ एमएलए आलमपुरू पाटिल के फर्जंद अभिषेक पाटिल, फराजुल इस्लाम, अजमल गोला, साजिद कल्याणी, अलीम पटेल, असलम बाजे, खालिद अहमद, मुफ्ती मुश्ताक हाशमी, मौलाना सादिक बिन आदम, मुफ्ती मुश्ताक हाशमी एबीसी स्कूल, हाफिज अब्दुल रऊफ, अल हिदाया ऑनलाइन सर्विस एंड अल हिदाया ग्रुप टीम के अलावा अब तक जितने भी लोग सबील अल हरम टूर्स एंड ट्रैवल्स के जरिए उमरा की सआदत हासिल कर चुके हैं, उन लोगों ने भी इस ऑफिस के इनॉग्रेशन के मौके पर शिरकत कर अपने अच्छे तासुरात पेश किए हैं। और साथ ही तमाम लोगों ने उमरा जाने की ख्वाहिश रखने वालों से सबील अल हरम टूर्स एंड ट्रैवल्स से राब्ता करने की गुजारिश की है। सबील अल हरम टूर्स एंड ट्रैवल्स कुछ ही सालों में अपनी खिदमत के जरिए नाम रोशन किया है। उमरा कर चुके लोगों ने कहा इनके पैकेजेस में होटल्स काफी करीब होते हैं और हैदराबादी जायकेदार फूड और दीगर सहूलियात ने उमरा जाहिरीन का दिल जीत लिया है। सबील अल हरम टूर्स एंड ट्रैवल्स की पहली ऑफिस शाहजिलानी क्रॉस गोल्डन बेकरी के करीब मौजूद थी, वहां से हटाकर अब इस ऑफिस को मिजबा नगर चौक रिंग रोड सईदापुरी होटल के करीब ओपन किया गया है। और इस इनॉग्रेशन के मौके पर ट्रैवल्स के प्रोपराइटर जनाब मौलाना मोहम्मद अब्दुल मुख्तदिर इलियास कासमी साहब ने बताया इन्हें सऊदी अरब में मौजूद नजूमुल फतेह वीजा कंपनी से शेख अहमद बिन हामिद बिन अल माबदी और शेख शानबाजा के जरिए वीजा के लिए डायरेक्ट टेंडर मिला है। अभी आप सबील अल हरम टूर्स एंड ट्रैवल्स के जरिए सिर्फ 2 घंटे के अंदर विजिट वीजा हासिल कर सकते हैं। और अगर कोई अपनी फैमिली के साथ या इंडिविजुअल सेपरेट पैकेज में उमरा जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी यहां सहूलियत मौजूद है। इस मौके पर सबील अल हरम टूर्स एंड ट्रैवल्स के प्रोपराइटर ने इनके पैकेजेस और मुकम्मल उमरा से जुड़ी तमाम डिटेल बताते हुए कहा इनके जरिए उलमा इकराम की निगरानी में सुन्नत के मुताबिक उमरा कराया जाता है और सबील अल हरम टूर्स एंड ट्रैवल्स के जरिए ही गुलबर्गा शहर में सबसे पहले सेम पैकेज में 3 एक्स्ट्रा उमरा करवाने का ऑफर शुरू किया गया था। और उमरा पैकेज में आपको अलग से अहराम और स्कार्फ परचेस करने की जरूरत नहीं है, आपको इनके जरिए अहराम, लेडीज स्कार्फ, तवाफ की तस्बीह और उमरा की बुक फराहम की जाएगी। अगर आपकी इस्तेदात नहीं है उमरा करने की तब भी आप इनसे राब्ता कर सकते हैं, आपके लिए बजट पैकेज बनाकर सहूलियत के साथ उमरा भेजने का वादा किया गया है। और इसके अलावा अगर आप ओरिजिनल जमजम वाटर परचेस करना चाहते हैं तो सबील अल हरम की ऑफिस पर सील पैक 5 लीटर का जमजम वाटर भी अवेलेबल है। मजीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें या फिर आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर डिटेल हासिल कर सकते हैं। आज यहाँ सईदापुरी होटल के पास सबील अल हरम टूर्स एंड ट्रैवल्स का फिर से यहाँ पर नई उसके ऑफिस की ओपनिंग हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग 8 साल से चल रहा है लोग ऑफिस यहाँ पे ऑफिस शिफ्ट किए शहर, तो मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद देती हूँ। काफ़ी अच्छा सहूलत है ये ट्रैवल से, बिल्कुल हरम शरीफ के करीब होटल्स हैं आप लोगों के जो लेते हैं आप लोग, तो मैं इलियास कासमी साहब को और तमाम लोगों को दिली मुबारकबाद देती हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को और बरकत दे। आप लोग जो गरीबों के लिए भी जो कम पैसों में पैकेज बनाए हैं तो उसके लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि 74,000 बोले तो कोई भी अपना तजवा करके तो कर ले सकता है। हर चीज़ उसमें सहूलत है, ज्यारत है उसमें, सब चीज़ खाने पीने का सब इंतजाम है उसमें, तो मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ आकर। अल्लाह ताला आप लोगों को बरकत दे और आप लोगों की खिदमत को कबूल करें। सबीलुल हरम टूर्स एंड ट्रैवल्स मैं अच्छी तरह जानता हूँ मौलाना इलियास साहब मुख्तदिर से, तकरीबन उन 8 साल से ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं और इस सिलसिले में ये बड़ी सआदत की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम पैसों में ले जा रहे हैं। और मुसलमानों के लिए बड़ी सआदत की बात है कि हरमैन शरीफ़ेन की हाजिरी बहुत बड़ी नेमत है और इन्हें मुकम्मल एक आलिम दीन होने की हैसियत से अच्छी रहबरी करते हैं, उमरा कैसे हो, हज कैसे हो और मुकामात मुकद्दसा की ज़ियारत और उलमा के साथ जाने में बड़ी राहत होती है और मसाइल की रोशनी में अमल मुकम्मल होता है। मैं जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ मौलाना अब्दुल मुख्तदिर इलियास साहब को और उनके रफाका को, ये बहुत बड़ा नेकी का काम है और आज मुसलमानों के लिए एक अच्छी चीज़ है। इधर उधर तफरी जाने के बजाय हरमैन शरीफेन को जाएंगे, ईमान भी ताज़ा होगा और अल्लाह के घर की ज़ियारत और उमरा भी होगा, फिर मस्जिद नबी जाएंगे, फिर वहाँ हमारे आका खातम नबी रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलात व सलाम अर्ज करने की सआदत हासिल होगी। ये सबसे बड़ी सआदत हमारे लिए है, ये खिदमत अंजाम देने वाले काबिल मुबारकबाद है और ऐसे टूर्स जो है उन्होंने कायम किया है, माशाल्लाह नाम भी बड़ा अच्छा है, सबील अल हरम यानी हरम का रास्ता,
माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपके खिदमत को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता फरमाए, आसानी फरमाए। आज के दिन एक खुशी का मौका है आपको, इंशाल्लाह हमारे मौलाना इलियास साहेब एक बड़ा गुलबर्गा में एक टूरिज्म निकाले से उमरा और हज को ले जाने का एक जो टूरिज्म निकाले, ये यहाँ के आप सभी लोगों को एक खुशखबरी और हमें भी खुशखबरी है कि ये पूरा पूरा जाने आने का देखने का वो एक बड़ा आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। उन्होंने उनके सर पे लेके आप सबको ये टूरिज्म करके बहुत अच्छा करे, हमारे दुआ है कि इनका अच्छा चले, भगवान इनको अभी तरक्की करने देंगे और हमारा गुलबर्ग के पूरे लोग इसका यूज लेके भगवान का दर्शन अच्छा होने देवल। इलियास सेठ को बहुत बड़ा काम करे, इंशाल्लाह आपको दो भगवान भला करे दे। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक खुशी की बात है जो सबील अल हरम जो ऑफिस ओपन हुआ है बिल्कुल सैदापुरी के बाजू में। मैं मुबारकबाद देता हूँ मौलाना अब्दुल मुख्तदिर साहब को, इलियास खासमी को, जो मैं कई बार भी देखा हूँ मौलाना पेश रहते हैं फॉर्म के काम के लिए, मिलत के लिए, और बहुत अच्छे पैकेजेस है मौलाना के पास। आप एक बार, मैं तमाम व्यूवर से रिक्वेस्ट करता हूँ जो उमरा को जाने के हैं, उमरा के लिए जाने वाले हैं, उमरा के लिए जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हज के लिए जाने वाले हैं, एक बार ज़रूर रब्ता करिए ऑफिस में। बहुत रिजनेबल रेट्स में है, बहुत अच्छे पैकेजेस है और बिल्कुल होटल जो रेंज बताते हैं वही रेंज में होटल्स रहेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि कई दफ़ा देखने में आता है कि बताते एक जगह उतारते एक जगह, अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना का तो ऐसा काम नहीं है। आप एक बार ज़रूर आइए, एक बार विज़िट करिए। और एक अच्छी बात क्या है इसमें, जो उमरा के लिए जा रहे हैं यहाँ पे अहराम भी दिया जाता है मौलाना की तरफ से, और 5 लीटर वहाँ से आने के लिए जब दिक्कत होती है जमजम के पानी के लिए, वो भी फैसिलिटीज अवेलेबल है मौलाना के पास। अल्लाह से दुआ को उनके, अल्लाह मौलाना को इस काम में बरकत दे और हाजियों के लिए आना जाने के सफ़र आसान करिए। टोटल में अभी बात किया, डिस्कस किया तो 8 ब्रांचेस हैं इनके, जैसे कि रायचूर है, अम्माम है, ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट में जो 8 ब्रांचेस हैं इनके, और बेहतर है आप एक बार रुजू करिए, जाना आना अल्लाह के हाथ में है, आप एक बार कोशिश करिए इंशाल्लाह आगे सब अल्लाह आसान करता है। मैं या जनाब अब्दुल मुख्तदिर इलियास खासमी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करूँ कि जैसा गरीबों के लिए पैकेज है बोलकर इलियास साहब बोल रहे हैं बहुत अच्छी बात है। मैं नेक तमन्नाएं और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आपके इस काम को अल्लाह कबूल फरमाए और गरीबों की जो है ना मदद करते जाइए। मैं समझता हूँ ये इनकी जो जद्दोजहद है हमारे यहाँ के लोगों के लिए सहूलत देने का जो काम किया है, हज और उमरा का जो एजेंसी नो टूर के लिए जो है ना यहाँ पर रखे हैं ऑफिस, लोगों को सहूलत हो गई और इस सहूलत का मैं समझता हूँ यहाँ के लोग, शहर गुलबर्गा के लोग और आसफिर के जो भी विलेजेस और तालुके हैं वाले हैं यहाँ पर जो है ना इनकी सहूलत को जो है ना एक बहुत ही अच्छा सराहेंगे और इनको मुबारकबाद मैं देते हुए, हमारे यहाँ अभिषेक पाटिल साहब भी मौजूद हैं और तमाम हमारे एरिया के जो आयाम हजरात हैं मैं इनको भी जो है ना मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम लोग कुल मिलाकर 8 आदमी सबीलुल हरम से अक्टूबर 2023 में गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह लाज भी बिल्कुल एकदम 180 मीटर करीब है और मदीने में भी जो है सो मालूम 100 मीटर के अंदर ये लाज है, आने जाने का कोई तकलीफ नहीं। और मेरे वालिद साहब और वालदा जो है सो उम्र हुए से थे 70-75 साल उनकी उम्र है, अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी कोई तकलीफ नहीं हुई। हम लोगों का मालूम खैर ऑफिस से जाके हज ये उम्रा करके आए और हम लोग कुल 4 उम्रा मौलाना कराए हमारे को। फर्स्ट उम्रा जो है सो हम रास्ते में जाते वक्त करे, दूसरा उम्रा जो है सो मस्जिद जुराना से करे, तीसरा जो है सो तैब से हो गया, चौथा उम्रा जो है सो मस्जिद आयशा से हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं थी और हर वो चीज़ हम सुकून से क्या मालूम है जाके आ गए। इस अल्लाह ताला मौलाना को क्या मालूम अच्छी सेहत और इसी तरह से दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए बल्कि हम अल्लाह से दुआ करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
लास्ट ईयर सितंबर 3, 2023 को हम लोग उमरा के ग्रुप में फर्स्ट हम लोग गए थे, मैं और मेरे साथी लोग थे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से मौलाना अच्छा तरबियत दे के हम लोगों को खुद साथ में रह के जो है 4 उमरा हम लोगों के हो गए। मक्का में होटल बहुत ही करीब थे जिससे हम लोगों को बहुत बोले तो बहुत इत्मीनान हुआ हर चीज़ से। मदीना शरीफ में भी जो है होटल बहुत करीब थे, मौलाना खुद 4 उमरा हम लोगों को साथ में रह के कराए। अल्हम्दुलिल्लाह खाने पीने की भी जो है कोई तकलीफ नहीं हुई, और सब में मेन अहम जो है हम लोगों को जो है होटल जो है हरम शरीफ से बहुत करीब थे, जिसकी वजह से ज़्यादा टाइम जो है वहाँ पे हम लोग इबादत में जो है गुजार सके। बाकी जब खाने पीने के लिए जब आने का था बहुत करीब रहता था तो मुश्किल कुछ भी नहीं हुई। और दुआ है फिर किस्मत में अगर हुआ बोले तो सबीलुल हरम से हम लोग दोबारा जाने का हम लोग ये रखेंगे। जैसा कि अभी यहाँ पर सबीलुल हरम टूर्स एंड ट्रैवल्स की ऑफिस की जो इब्तिदा हुई है, और इससे शहर गुलबर्गा को ये जानकर बड़ी खुशी होगी, बड़ी मसर्रत होगी कि यहाँ पर जो है हम ये चाहते हैं कि आप हज करने जा रहे हैं या उम्रा करने के लिए जा रहे हैं तो आप जो है खूब मसाइल से वाकिफियत होना ज़रूरी है, आवाम को मसाइल से वाकिफियत होना ज़रूरी है। और मसाइल बताने वाला हम जानते हैं कि ये उलमा दीन होते हैं, कि आप उलमा की रहबरी में जो है सबीलुल हरम टूर्स एंड ट्रैवल्स से जो है आप उमरा भी कर सकते हैं और आप हज भी कर सकते हैं, कि किस तरीके से उमरा किया जाए, उसके मसाइल क्या हैं, और अगर किसी मसले के छूट जाने पर जो है दम किस तरीके से वाजिब होता है, और 4 उमरे करने के जो है वहाँ पर जाने के मसाइल क्या हैं, किस तरीके से जो एहराम बांधना है, ये सारे मसाइल जो है उलमाए किराम की निगरानी में होते हैं। इसलिए मैं गुलबर्गा के आवाम से ये गुजारिश करता हूँ कि आप अगर उमरा करने जाएं या हज करने जाएं, अव्वलिन खिदमत के लिए सबीलुल हरम आपकी खिदमत के लिए तैयार है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हरमैन शरीफ़ैन की खिदमत के लिए कबूल फरमाया। ये आवामुन नास को यहाँ से वहाँ पहुँचाना और उनकी खिदमत करना ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे ये खिदमत ले रहा है, और हमारे साथी मुफ्ती मुश्ताक साहब कासमी मस्जिद शम्स के इमाम हैं और हम साथ में अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस हमारी खिदमत को बेहद कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह सबीलुल हरम टूर्स एंड ट्रैवल्स ये बड़े अल्लाह वालों की निगरानी में चल रहा है। हम बहुत ही मुहतात होकर हम काम कर रहे हैं, और कम से कम कीमत में कैसे हम खिदमत कर सकें इसकी हम फिक्र कर रहे हैं। कि बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कि पैसे वाले ही होते हैं, कुछ मुतवस्सित तबके के लोग रहते हैं और कुछ कई सालों से उम्मीद रखते हैं जाने की लेकिन बेचारे जा नहीं पाते। तो उन लोगों के लिए बहुत कम से कम कीमत में इंशाल्लाह हम बजट रखे हैं उमरा जाने के लिए। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले मैंने 74 का बजट रखा था, तो कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कैसा 74 में लेके जाते हैं, कैसा पड़ रहा है। तो बस खिदमत की नियत हम कर रहे हैं, बस ये वाया फ्लैट रहने की वजह से बजट पड़ रहा था, क्योंकि ये फ्लैट हैदराबाद से कुवैत है, कुवैत से फिर जिद्दा है, तो वापसी फिर जिद्दा से कुवैत, कुवैत से हैदराबाद है, इस वजह से पैकेज पड़ रहा था। तो इस वजह से कम कीमत में हम करना चाह रहे थे, लेकिन होटल इसकी थोड़ी सी दूर है, हम खुला लोगों को बता रहे हैं कि होटल दूर है, बस की सहूलत है, होटल से जैसे बाहर निकलेंगे आप बस रहेगी, आप उसके हरम को पहुँच सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग इसकी भी चल रही है। इससे हटकर अभी इंशाल्लाह 25 सितंबर में ग्रुप जा रहा है, उसके बाद फिर 2 अक्टूबर का ग्रुप है। 2 अक्टूबर में ये 74 का पैकेज भी है, और 2 अक्टूबर के अंदर एयर इंडिया भी है और सऊदी एयरलाइंस भी है। सऊदी एयरलाइंस का 2 अक्टूबर का पैकेज रहेगा 98,000। होटल अल्हम्दुलिल्लाह अजियाद रोड पे जो जा चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़माना बिल्कुल टेक्नोलॉजी का है, आप मैप पे देख सकते हैं, बहुत से घर में हर घर में कोई ना कोई पड़े हुए हैं। अब जैसे हम होटल का नाम बोल रहे हैं तो बिल्कुल सर्च कर सकते हैं, मैप में देख सकते हैं होटल कितनी दूर है। ऐसा नहीं कि होटल हम यहाँ पे करीब बता रहे हैं वहाँ पे जाने बहुत दूर है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप जो हम अहबाब हमारे से गए हैं बिल्कुल उनसे पूछ सकते हैं। अजियाद रोड है, WC3 जो है उसे लेफ्ट में हम देखेंगे तो मक्का अली मीडिया नेट की बिल्डिंग है, उसे लग के हमारी होटल है नदा अजियाफा, आप चेक कर सकते हैं नेट के ऊपर, नदा अजियाफा होटल है, 180 मीटर पर होटल है बस अल्हम्दुलिल्लाह। तो हर मोतमरीन को हुज्जाज को हमारे के बहुत करीब रहने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हुज्जाज कराम 5 वक्त नमाज हरम में अदा करते हैं। होटल दूर रहने की वजह से ताल्लुक से कई लोगों की शिकायतें आ रही हैं, कुछ लोग वहाँ पर ले जाने के बाद इस तरह से होटल का डिस्टेंस बता रहे हैं, वहाँ पर जाने के बाद कुछ और वहाँ पर मंजर नजर आ रहा है, तो आपको
तरह से होटल्स के नाम बता रहे हैं, उनका जो डिस्टेंस है वही वहाँ पर रहेगा क्या, कुछ तब्दीली आए थे? बिल्कुल, मैं उसी को जिक्र कर रहा हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग पढ़े लिखे हैं, हर एक के पास एंड्रॉइड मोबाइल है। आप पूछ लिए कि होटल कौन सी है, हम जो नदाजिया होटल बता रहे हैं उससे दूसरी होटल नहीं होगी इंशाल्लाह जाने के बाद, क्योंकि इस इबादत के अंदर भी हम झूठ नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि एक मुकद्दस इबादत है। ऐसे झूठ तो हर मौके पे बोला जाता है, लेकिन कम से कम इस इबादत के अंदर झूठ ना बोला जाए, सही सही होटल बोली जाए और जो कुछ पैकेज है सही से लोगों के खिदमत की जाए, ऐसा ना हो कि इसके अलावा और क्या क्या आपके पास डिफरेंट फैसिलिटी मिलेगी, क्योंकि शहर में कई सारे टूर्स एंड ट्रैवल्स मौजूद हैं, लोग आपके जरिए अगर पैकेज बुक कराएंगे तो क्या उनको एक्स्ट्रा सहूलतें मिलेंगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं गुलबर्गे के अंदर जब से हमारा ट्रैवल शुरू हुआ तो सबसे पहले मैं ऐलान किया कि चार उम्रों का, कि इसी पैकेज के अंदर जो यहाँ पैकेज देंगे उसी पैकेज के अंदर आपको हम क्या उम्रा कराएंगे। फ्री का लफ्ज़ नहीं है, फ्री का लफ्ज़ इसलिए नहीं है कि हम फ्री नहीं बोल सकते, इसलिए नहीं बोल सकते कि उसी पैकेज के अंदर हम अमाउंट ले रहे हैं चार उम्रा कराने का। तो वहाँ पर जाने के बाद आपको एक रियाल भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं, उसी पैकेज के अंदर हम चार उम्रे, पहला उम्रा जब हैदराबाद से पहुँचेंगे होटल को वहाँ से हम कराएंगे, दूसरा उम्रा ताइफ से कराएंगे इंशाल्लाह, तीसरा उम्रा मस्जिद जोराना से और चौथा मस्जिद आशा से हम कराएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। चार उम्र की फैसिलिटी खाने के तालुक से भी लोगों की काफी कंप्लेंट होती है जी, जो या उम्रा हो जी, तो खाने में किस तरीके की सहूलत होटल में रही है आपकी तरफ से? खाने की सहूलत अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबादी कैटरिंग हमारे पास है, बस थोड़ी सी शिकायत रोटी की आती है, मतलब क्या है बहुत देर होती रोटी पका के तो होटल का आने की देर हो जाती है, तो रोटी थोड़ी ठंडी रहती, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह चावल है जो कुछ सालन है चिकन है और मटन जो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो गर्म रहता है, मसला नहीं शिकायत का अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी हमारे से गए आप उनसे पूछ सकते हैं बिला मुबालगा, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी हैदराबादी है। 25 सितंबर का एक ग्रुप बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये इंडिगो फ्लाइट है और 2 अक्टूबर का 74 का बजट पैकेज है। जैसे मैंने बताया कि अभी हम साफ कह रहे हैं कि ये होटल अजियात पे नदाजियाफा नहीं होती बल्कि अलियान रॉयल है जो हरम से 1.5 किलोमीटर के रास्ते पे है, वहाँ से बस की 16-24 घंटे रहती है, होटल के पास जब बाहर निकलेंगे बस रहती है, बस के जरिए हरम को आना होगा। तो हम खुला बता रहे हैं कि एक तो वाया फ्लाइट है और होटल दूर है, इस वजह से 74 का पैकेज है। ज्यारतें अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ज्यारत है, मक्के की ज्यारत है, जितने हम यहाँ पे लगाए हैं ये पूरी ज्यारत मक्के की है और उस तरफ मदीने की ज्यारत है, पूरी इंशाल्लाह पूरी कराएं, किसी में कमी नहीं है। अभी 21 सितंबर को जा रहा, असल बात यह है कि हमारे पास क्या सहूलत है, एक चीज हमारे इसी नाम के 8 ब्रांचेस इंडिया के अंदर, निजामबाद में है, गुलबर्गा है, खम्मम है, बीदर है, लातूर है, वरंगल है, भोनगिर है, तो इसी नाम के अल्हम्दुलिल्लाह 8 ब्रांचेस हमारे चल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आवाम के ऊपर छोड़ें कि आप कब जाना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं कि एक डेट दे के इसी के अंदर हम एक बड़ा काफिला लेकर चले जाएं, ऐसा नहीं, बल्कि आवाम के ऊपर हम ये बता रहे हैं सहूलत के लिए कि कुछ मसाइल रहते हैं, कुछ बीमारी रहती है, कुछ भी रहता है, तो आप कब जाना चाह रहे हैं बताइए। तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 भी हरंदे, 3 भी हरंदे, 5 भी हरंदे अल्हम्दुलिल्लाह हम भेज रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे, चूंकि कंटिन्यू हमारे ग्रुप हफ्ते के अंदर 2 से 3 ग्रुप हमारे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैसेज ये कि इंशाल्लाह अभी 21 सितंबर में ग्रुप है, 25 में इंशाल्लाह जा रहा है, तो प्लस बजट पैकेज जो है 74 का 2 अक्टूबर का है और 2 अक्टूबर के दिन एयर इंडिया की फ्लाइट भी है इंशाल्लाह और सऊदी एयरलाइंस भी है। सऊदी एयरलाइंस का ऑफिस के मौके पर इंशाल्लाह मैं एक ऑफर दे रहा हूँ कि 98,000 सऊदी एयरलाइंस का होगा और 90,000 एयर इंडिया का होगा इंशाल्लाह, जो बुकिंग कराएंगे